हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो छोड़ा चल सैम्प्लीफायर, ये मार्केट में बहुत सारा चलती है इसका एम्पलीफायर का, जो कि 20-40 वाट इसमें इजीली आउटपुट निकल जाता है। 8 इंच का स्पीकर, 20 वाट का एक और 20 वाट का एक स्पीकर इजीली इसमें चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आ रहे थे फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने इसका वॉल्यूम का कनेक्शन इजीली नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। तो आज का वीडियो में सारे कनेक्शन का तामझाम को मैं आज इस वीडियो में सुलझाने का कोशिश करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा। वॉल्यूम का कनेक्शन जो सिंपल जो वॉल्यूम का कनेक्शन कैसा होता है, इसके लिए मैं एक फुल एक्सप्लेन वीडियो बना के रखा हूँ। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तभी जाके आप बिजली इस वीडियो को समझ पाइएगा। आज मैं जो बताऊंगा, इससे छोटा सा किट का जो है कार एम्पलीफायर का किट है, ये लाइन से इसमें नहीं चलेगा, इसको 12 वोल्ट डीसी चाहिए तो चाहिए। तो डीसी वाली जो ये हमारा एम्पलीफायर का जो बोर्ड है, चौड़चल किट है, इसमें आज मैं सारे चीज़ कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। वॉल्यूम का कनेक्शन है कहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगी, और आईसी का आउटपुट स्पीकर का कनेक्शन कहाँ पे है, वॉल्यूम का कनेक्शन कहाँ पे है, ऑडियो इनपुट कहाँ पे है, ऑडियो सिग्नल इनपुट कहाँ पे कहाँ से इसमें इन हो रही है, सारे चीज़ का कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सपोर्ट कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो ऐसे अपलोड मैं करूं वो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे स्टार्ट है हमारा। तो ये कार एम्पलीफायर में यूज होता है लगभग, यहाँ पे इस बोर्ड में एक चीज़ का कमी है, तभी जाके आप इसमें ट्रांसफार्मर यूज करके आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल जो इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर वीडियो है हमारा, उस टॉपिक पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे 12 वोल्ट इसको देना है, डीसी 12 वोल्ट। यहाँ पे एक छोटा सा डायोड इसके बैक साइड में लगा हुआ है, वो आपको इसमें नहीं दिखेगा। तो बैक साइड में एक छोटा सा ब्लैक कलर का डायोड है, डायोड के बारे में नहीं पता, तो वो नेट में लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एक छोटा सा डायोड है, जिस वो डायोड सेफ्टी के लिए ही, आपके सेफ्टी के लिए दिया जाता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव दे देते हैं तो आपका जो ये बोर्ड ख़राब नहीं होगा। तो एक सेफ्टी फीचर यहाँ पे दिया हुआ है इस बोर्ड में। और कोई कोई बोर्ड में नहीं हो तो आप माइनस प्लस को सही से ध्यान से ही लगाएंगे। तो ये 12 वोल्ट का यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर से चलाते हैं लाइन से, तो ट्रांसफार्मर डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर से रिलेटेड एक मैं छोटा सा वीडियो आपको बना दूंगा, ताकि आप इजीली यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ में ब्रिज रेक्टिफायर को इजीली यूज कर पाएंगे। अब आती है फ्रेंड, इससे आईसी का डाटा शीट, जिसका वीडियो हमने बना दिया हूँ, उसका डाटा शीट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आप इस आईसी का जो भी पिन है, वो पिन मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो पिन है आईसी का, ये सभी पिन आउट है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम इधर से एक गिने या इधर से एक गिने, बात तो बराबर है। आपको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये आईसी किसी में भी लगाओ, ये बोर्ड अगर इस तरीके से आप देखेंगे, तो यहाँ से एक, दो या तीसरा नंबर पिन जो स्पीकर के लिए हो जाता है, फिर एक पॉइंट को छोड़ के ये जो पिन है ये स्पीकर का, ये दो वायर जो है स्पीकर का। सेम दूसरा आईसी में भी ये दो पिन छोड़ के तीसरा नंबर जो है ये स्पीकर का वायर है, फिर ये स्पीकर का वायर है। तो जितना भी बोर्ड में होगा ये सारा चीज़ कनेक्शन सेम होगा, जो कि यहाँ पे स्पीकर का वायर दोनों का सेम ही रहेगा, इनपुट भी सेम रहेगा ऑडियो का। जो कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये डायरेक्टली यहाँ से एक कैपेसिटर लगा के यहाँ पे ग्राउंड कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पिन जो है, ये इसका सेकंड नंबर पिन, यहाँ पे ऑडियो इनपुट कर सकते हैं मोबाइल जैक से। यहाँ पर जो है आपका ऑडियो देंगे तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इससे आईसी में आवाज़ आना चाहिए। आवाज़ आता तो आईसी आपका सही है, अगर आवाज़ नहीं आता तो आपका जो आईसी ख़राब है। तो यहाँ से ये ऑडियो इनपुट होती है। सेम इस आईसी में भी यहीं पे है ये वाली पिन, सेकंड नंबर इस पिन में ऑडियो इनपुट होती है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट तक तो हम लोग समझ लिए। अब बात आता है फ्रेंड इसकी, कनेक्शन और बेस ट्रेबल। तो यहाँ पे फ्रेंड आप अपना अलग से बेस ट्रेबल लगा के भी यहाँ पे ऑडियो इनपुट कर सकते हैं, या इसका बेस ट्रेबल से भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। अगर इसका बेस ट्रेबल से देते हैं तो इसका बेस ट्रेबल यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे ऑडियो इनपुट जा रही है, एक ए पॉइंट और एक ए पॉइंट में इनपुट हम मोबाइल से दे रहे हैं, जिससे भी दे रहे हैं, या ब्लूटूथ किट से दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद ये वॉल्यूम के थ्रू यहाँ पे सारा चीज़ कंट्रोल होके यहाँ पे ऑडियो बेस ट्रेबल होके यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ से एक वॉल्यूम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और एक वॉल्यूम इसके लिए, सेकंड वॉल्यूम
ए आई सी के लिए और एक ए आई सी के लिए। अगर हो सकता है कि यहाँ से बाईपास डायरेक्ट हम यहाँ पे कर दें तो यहाँ से बेस्ट ट्रेवल कंट्रोल होगा, डायरेक्ट ए आई सी हमको चला, ए आई सी हमारा जो है कंट्रोल होगा। यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम है। अब चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूँ फ्रेंड, ताकि इजीली आप समझ पाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम है जिसको हमने खुद ड्रॉ किया है, और लगभग बोर्ड में सेम कनेक्शन होगा। थोड़ा थोड़ा कनेक्शन चेंजेस हो सकता है आपके बोर्ड के साथ में, तो जितना अभी तक मैंने बताया आपको उतना कनेक्शन तो सेम ही होगा, लेकिन और भी कनेक्शन जो है वो भी सेम होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ अलग हो सकता है बोर्ड के साथ। तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी बोर्ड का मैं कनेक्शन सभी वीडियो में ऐसा एक छोटा छोटा वीडियो बना के आपको समझा दूँ। तो यहाँ पर जो है ये दो वायर स्पीकर का है, ये दो वायर स्पीकर का जो कि समझा दिया। यहाँ पर ऑडियो इनपुट हो रही है, यहाँ पर भी ऑडियो इनपुट हो रही है। तो मैं पहला कोशिश करता हूँ कि आपको वॉल्यूम का ही कनेक्शन आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एक वॉल्यूम लगा हुआ जो कि इस आईसी के लिए है, कंट्रोल हो गई। तो यहाँ पे वॉल्यूम का 3 पिन होता है, डबल चैनल होगा तो यहाँ 6 पिन होगा, तो ये 3 पिन यहाँ आगे आ जाएगा। तो दोनों का पॉइंट अलग अलग होता है, तो सिंगल भी यूज करें, डबल चैनल वाला वॉल्यूम भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो दोनों चीज़ को आप इजीली कनेक्शन कर पाएंगे, जैसा मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम का ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में नेगेटिव जोड़ना है ये वाली ग्राउंड पॉइंट को, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राउंड पॉइंट है। दूसरा वाला में, बीच वाला में, इसका जो ऑडियो इनपुट करेंगे वाले बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिए। आप यहाँ पर सिग्नल इनपुट सिग्नल जो मुझे मिलेगा यहाँ पर बेस्ट ट्रेवल कंट्रोलों के, जो कि ये दो पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला है जो कि कनेक्शन निकला हुआ, तो ये दो पॉइंट में मतलब किसी एक में यहाँ से कंट्रोल करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ा हूँ, इस जगह पे जोड़ दिया, यहाँ से इजीली आप मेरा जो है वॉल्यूम कंट्रोल होगा, कम बेसि ज़्यादा जो भी करना है। सेकंड वॉल्यूम हमारा ये है, इसका भी नेगेटिव पॉइंट को इसी जगह पे नेगेटिव में जोड़ देते हैं, या इसका नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं, नेगेटिव कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आती फ्रेंड इसमें ऑडियो इनपुट करने के लिए, तो ये है हमारा ऑडियो इनपुट सिलेक्शन जो कि बीच वाले पॉइंट में कनेक्शन कर दिया। आप यहाँ पर ऑडियो सिग्नल देंगे जो कि इस वाली पॉइंट से देंगे जहाँ से बेस्ट ट्रेवल कंट्रोल हो के आ रही है। इतना तक तो आप कनेक्शन कर ही लीजिएगा, आप समझ में आई गया। यहाँ कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पे अलग से कनेक्शन दिया रहता है, वो अगर ये चीज़ समझ लिए हैं, अगर ये जो सिग्नल है यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, ये जो कनेक्शन है ये सब में सेम रहता है, किसी किसी में यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉ करके यहाँ पर पिन आउट दे देता है। तो ये चीज़ को आपको समझना है, अगर इतना कनेक्शन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ तक भी कनेक्शन कर लेते हैं, तो एक छोटा सा बेस्ट ट्रेवल किट खरीद के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल ये भी कनेक्शन मैं समझा देता हूँ, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिंपल है, आप कनेक्शन इजीली कर पाएंगे। ये हमारा ट्रेबल है, ये हमारा ट्रेबल है, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। आप तभी समझ पाएंगे बेस्ट ट्रेबल कौन सा है जब आप कंट्रोल करेंगे बजा के। आपके लिए मैं सिंपल सा तरीका बता दिया, आप यहाँ पे जो भी पिन आउट है, पहला नंबर पिन, दूसरा, तीसरा, सेम वॉल्यूम को सेम सेम पिन में कनेक्ट कर देंगे, बीच वाले को बीच में, साइड वाले को साइड में, साइड वाले को साइड में। अगर ये वॉल्यूम उल्टा काम कर रहा है तो बीच वाले पिन को छोड़ के ये वाली पिन को इस तरफ और ये वाली पिन को इस तरफ कर देंगे। सभी वॉल्यूम का कनेक्शन सेम ही करेंगे, बीच वाले पिन को बीच में और साइड वाले को साइड में। इसमें भी वही होगा, अगर उल्टा काम कर रहा है तो इसको कनेक्शन इधर कर दें, इसका कनेक्शन उधर कर दें। इस वाले में भी वैसे ही होगा, बीच वाली पिन को बीच में, अगर कनेक्शन उल्टा हो जाता तो इधर का उधर, इधर का इधर, ये वाली पॉइंट का पहला में, ये वाली पॉइंट का तीसरा वाले पॉइंट में। अगर कनेक्शन ख़राब होती है, उल्टा होती है, तो ये इसको चेंज कर सकते हैं बीच वाले के बीच में। सेम यहाँ पर भी इस वाली बेस का भी कनेक्शन यहाँ पर सेम ऐसे ही करना है, ये पहला का पहला, बीच वाले को बीच में और साइड वाले को साइड में। अगर यहाँ पर भी उल्टा ये काम करता है तो इसका भी कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर उल्टा काम करता है तो फ्रेंड ये वाले बीच वाले के बीच में रहने देंगे और साइड वाले साइड, इसमें भी वही करेंगे, सिंपल सा कनेक्शन आपका चेंज करके आपका जो है कंट्रोल हो जाएगा। अब आती फ्रेंड इस बोर्ड में ऑडियो इनपुट का सिग्नल कहाँ से करेंगे। यहाँ पे मुझे दो पॉइंट दिया हुआ है, ये आराम से आपको दिख जाएगा, ये दोनों पॉइंट में मैं ऑडियो सिग्नल का इनपुट करूँगा। और ये हमारा ये वाली पॉइंट जो है, ये मोटी वाली पॉइंट, ये हमारा ग्राउंड है, तो नेगेटिव पॉइंट में यहाँ पे ग्राउंड देंगे और बाकी में लेफ्ट एंड राइट, जो कि ब्लूटूथ किट से इनपुट करेंगे। इसके लिए मैं एक ब्लूटूथ किट से इनपुट करने के लिए मैं एक डायग्राम के साथ छोटा सा वीडियो में आपको समझा दूंगा। फिलहाल हमारा जो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है,
आप यहाँ तक तो इजीली समझ ही लिए होंगे। और इस डायग्राम को थ्रू आप कनेक्शन करेंगे, इसका डायग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सब में मैं कुछ कुछ ना कुछ लिख दूंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। आप लोग कुछ सपोर्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता फ्रेंड, तो हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा तभी जाके आप हमारा जो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करते रहता, बेल आइकन को भी दबाना है दबा के रखिए ताकि जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन आपको जाएगा तो आप सबसे पहले हमारा जो वीडियो देख पाएंगे, और नहीं तो हमारा वीडियो अन्यथा मिस कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।